वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत मज़ेदार सी है और बहुत सिंपल सी और छोटी सी रेसिपी है। है तो वो पिज़्ज़ा की रेसिपी, लेकिन वो आज हम बना रहे हैं ब्रेड पिज़्ज़ा। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी वो हमने तकरीबन 4 से 5 स्लाइस जो है वो ब्रेड के ले लिए हैं। इसके अलावा मैंने जो है यहाँ पे ये सालन बनाया है चिकन का और तमाम सब्जियों का। इसमें मैंने आपको इसका जिस तरीके से मैंने बनाया है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और मैं आपको छोटा सा रिव्यू भी इसका दे देती हूँ कि मैंने ये किस तरीके से बनाया है। इसके लिए मैंने सबसे पहले ऑयल लिया था, 2 टेबलस्पून ऑयल लेके उसमें तकरीबन 1 शिमला मिर्च, 1 प्याज दरमियानी साइज़ की और 1 छोटा सा पीस जो है बंद गोभी का लिया था, उसे काट लिया था और चिकन ली थी उसको छोटे क्यूब्स में काट लिया था। इन सब को जो है मैंने हल्का सा फ्राई किया और उसमें बिल्कुल 2 या 3 लहसुन के जीवर डाल के मैंने उसको कलियाँ डाल के उसको अच्छी तरीके से जो है मिक्स कर लिया था। हल्का सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और काली मिर्च डाल दी। इसके बाद मैंने इसमें ओरिगानो डाल दिया और इसको थोड़ा सा जो है ढक के रख दिया। इसको ढकने के बाद ये जो है जब मैंने इसको खोला 10 मिनट बाद तो ये अच्छे से पक चुका थी चिकन भी और ये सारी सब्जियां भी इसमें मिक्स हो चुकी थी। ये मैंने सालन इस तरीके से इसका बनाया है, जो स्टफिंग मैंने इसकी तैयार की है। हमने सबसे पहले जो है ये जो ब्रेड हैं इसके कॉर्नर्स निकाल देने हैं, इसको यहाँ से हम काट देंगे और इसको आप ज़ाया नहीं किया करें। इसको आप जो है अपने ब्रेड क्रम्स के तौर पे आप किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। ये हम सभी को इसी तरीके से हटा देंगे। हमने ब्रेड के ऊपर सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस लगानी है। इस तरीके से आपने पिज़्ज़ा सॉस लगा देनी है इसमें। इसके बाद आपने जो ये स्टफिंग तैयार की है ये स्टफिंग हमने इसके ऊपर लगा देनी है। यहाँ पे हम ये इस तरीके से स्टफिंग इस पे लगा देंगे। अब यहाँ पर हमने जो है ऑलिव्स, अगर आपके पास ऑलिव्स हैं तो आप वो लगाएं, अगर नहीं हैं तो आप उसके बगैर भी इसको जो है स्टफिंग के बाद आप अपने जो है वो चीज़ें डाल सकते हैं। और अगर आपके पास मशरूम हैं तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। आपको जो चीज़ें पसंद हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। यह हमने प्याज जो है वो भी काट लिया इस तरीके से, ये भी हम थोड़ा सा इसमें डाल देंगे। प्याज भी हमारी इस तरीके से क्यूब्स की शक्ल में जो है बहुत मज़ेदार सी लगती है पिज़्ज़ा में, वो भी हम इस तरीके से इसमें डाल देंगे। अब हमने ये मोज़रेला चीज़ है, ये हमने इस तरह हमने ये मोज़रेला चीज़ इसके ऊपर डाल देनी है। और अब हम इसके ऊपर जो है चिली फ्लेक्स हमने थोड़ा सा लेना है, वो भी हमने इसके ऊपर डाल देना है हल्का सा। और इसके ऊपर ओरिगानो वो भी हम डाल देंगे थोड़ा सा ओरिगानो, तकरीबन 1 चुटकी के बराबर हम इसके ऊपर डाल देंगे और थोड़ा सा ही हम इस ब्रेड के ऊपर भी डाल देंगे। बस अब हम इसको अपने पैन में जो है उसको पकाएंगे। हमने ओवन में इसको नहीं पकाना है, हम अपने पैन में हमने पहले से इसको हल्का सा जो है गर्म करने के लिए पैन को रख दिया था, अब हम इसको पैन में इसको रखेंगे। देखिए व्यूअर्स, ये मैंने चारों पीस जो है वो इसमें इस तरीके से बना ली हैं। अब मैं इसको इस तरीके से रख दूँगी,
ये पैन मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसको रख दूंगी। ये व्यूअर्स, ये मैंने जो है इसमें पैन में रख दी है अपने मिनी पिज़्ज़ा को, ब्रेड पिज़्ज़ा को। अब ये जो है मैं इसको ढक दूंगी। इसमें नीचे मैंने ऑयल भी कोई नहीं डाला है, सिर्फ ये इसी तरीके का है। बिल्कुल सिंपल, हमने इसको गर्म किया पैन को और उसके बाद इसमें इसको रख दिया है हल्की आंच पे, बिल्कुल लो आंच जो है वो इसकी मैंने रखी है। अब इसको मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी, उसके बाद ये मेल्ट हो जाएगा और ये कम्प्लीटली हमारा इंशाल्लाह पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। देखें व्यूअर्स, ये तकरीबन 15 मिनट हो गए और ये हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो चुका है। बस अब हम इसको डिश आउट कर देंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये हमने डिश आउट कर दिया और बहुत मज़ेदार से हमारा ये मिनी ब्रेड पिज़्ज़ा रेडी है। आप जो है इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और पसंद आए मेरी रेसिपी तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।